हाथ में आया हुआ आदमी ऐसे कैसे निकल गया? सारी गलती इस गधे की है। कैसे वो बच के निकल गया? बेवकूफ है ये। कैसे हमने छोड़ दिया उसे? अरे वो सब लोग इधर ही हैं। इस तरफ से चलो। हे, इतना मार खाने के बाद तो उन्हें हॉस्पिटल होना चाहिए। ये बस स्टॉप पे क्या कर रहे हैं? हे, अभी उन्हें छोड़ो, अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। चलो यहाँ से। ठीक है यार। करता यार, गिरा दिया। इसने तो हमारी लड़की को ठोका है। हैं साले, ये खींच कर मारूंगा गाल पर मैं। अभी चिपक जाते हैं रोड पर। वो तो सही टाइम पे मैंने ब्रेक लगा लिया। ये रोड तुम्हारे बाप की है क्या? चंद्रबाबू नायडू ने बनाया है। ये रोड है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ अगल बगल देखकर चलना होता, समझ गई? ए बहन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अबे जब सच में ठोकर लगती है तब चोट लगती है। अबे चोट नहीं लगी तो क्या हुआ? रुक जा, अभी तेरे को दिखाता हूँ चोट क्या होती है। रुक जा, तुम निकलो, चल माफी मांग। चल Hey, मुझे रात को उसी लड़की ने बचाया था। लगता है वो पहचानी नहीं। hey, अच्छा, दो गोल्डिंग थे। सुना, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ करना होगा यार उसके लिए। hey, तू टेंशन लेके मुझे टेंशन मत दे, समझा? ए, कितने का है? 200 रुपए का ना। hey, पैसे दे से, ले ले, पहुंच कर। ये बॉक्स उसे देगा तो वो ले लेगी क्या? ए, तू साथ चल, सब बता दो। लगता है तू ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। हेलो हेलो, किधर जा रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। अच्छा, लगता है वो इसे भूल गई है। अरे क्या नाम है उसका? मैं बचपन से उसे चिट्टी चिट्टी के नाम से बुलाता था, अभी उसका नाम भूल गया हूँ। आज उसके लिए बहुत स्पेशल डे है, आप ही ये उसे दे देना। और दो चॉकलेट आप भी खा लीजिए। अरे वो पूछेगा तो क्या बोलूंगा? बोलिए तुम्हारे मामा ने दिया है। मामा ने दिया है? ये कैसा मामा? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। क्या हो गया भाई, मुझसे क्या गलती हो गई? जब से तुमने किसी और जात के साथ रिश्ता जोड़ दिया है तब से तुम ये अपना अधिकार खो चुके हो, समझे? अरे प्यार तो कॉमन बात है भाई। कॉमन? अरे तुझे क्या है, है? किसी भी सिटी में जाकर यहाँ वहाँ घूमकर चक्कर काट कर तुम कहीं भी जी लोगे क्या? अगर कल को यहाँ कोई पूछेगा कि यहाँ ये क्या कर रहा है तो मेरा सर तो झुक जाएगा ना तुम्हारी वजह से। एक ही औलाद है, मना करूंगा तो मर जाएगा, इसीलिए बोला। क्यों मर जाएगा? इस दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन हमारे घर की लड़की उस जात में शादी करके गई तो हमारी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। भाई भाई, तुम्हारी भी एक लड़की है, अगर उसने प्यार किया तो तुम क्या करोगे? ए, तुम क्या बक रहे हो? अगर मेरी लड़की ने ऐसा किया तो दोनों को बीच रोड पे काट कर रख दूंगा। ए, अपने चश्मे को हटा। छोड़ ना। अरे प्यार नजर मिलाने से होगा, उतारो इस चश्मे को। मामा उसने देख लिया। अरे ये कहां से आ गया? अरे शिवा इधर आ, क्यों इतना जल्दी कर रहा है? चल जल्दी जल्दी, चल अंदर चल। ए अबे मैं दूर से देख के निकल जाता हूँ ना। अबे कितनी बार समझाया है तुझे मैंने, संडे को भी आ क्या जान खा रहा है? आज संडे इसलिए तेरे पास आया हूँ, वरना मैं कॉलेज से देखकर निकल जाता। अरे वो जो देख रहे हो ना, वो है, वही लड़की का घर है। अब तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो ये बताओ। मामा कोई तो आया। अरे आने दो ना, कोई भी आ रहा हो तुम्हें क्या? जब देखो उसी की बातें, उसी की माला जपते रहते हो, पागल हो गए हो तुम। अरे बाप रे, कोई कहीं देख न ले। ए भाई, हमारे लोगों ने देख लिया तो तेरी आरती उतार देंगे। अरे बंद करना यार, क्या कर रहा है तू ये? अरे अंदर जाके घर में हमें पढ़ाई भी करनी है यार, क्या कर रहा है तू? ए तू हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करता रहता है, तू फेल हो गया उसके बाद भी बात कर रहा है। अबे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तेरा क्या जाएगा? हे मामा, जितना करीब से वो सुंदर लगती है ना, दूर से तो और ज्यादा सुंदर लग रही है। ए मेरे को भी देखने दे तो, ला तो ला तो, हाथ लाओ ना, मेरे को भी देखने दे। ए ये मेरी बंदी है, से मैं पटाने वाला हूँ। अच्छा हाँ हाँ, जा अकेले देख ले पूरा, जा।
लगता है मिस कर दिया। मामा सुनो, लगता है इसकी बस मिस हो गई है। हाँ तो तुम जाओ, ड्रॉप करके आ जाओ। हाँ तुम उतरो, मैं छोड़कर आता हूँ। अरे जब इतने सालों से मैं बस स्टैंड पर खड़ा रहता था, तुमने कभी ऐसा मुझे बोला क्या? आज एक लड़की बस स्टैंड पर खड़ी हुई वेट कर रही है, तो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है उसकी? तुम उतरो ना मामू, बेचारी क्लास के लिए लेट हो जाएगी। ए, सुनो, आज कुछ भी हो जाए, तुम उस लड़की से प्यार करते हो ये बात तुम्हें उसे बतानी है, समझे? ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसका नाम जानते हो, ये तो तुम्हें पता होगा। नहीं मामू, ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं मामू, तो तुम नहीं जानते हो। चलो पीछे बैठो, बैठो पीछे, मैं ड्राइविंग करूंगा। ए, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठो, समझे? तुम बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना, समझे? उतरो शिवा, उतरो शिवा, चलता हूँ शिवा। अरे तुम अपने पिताजी को बोलोगे ना शिवा, शाम को फोन करना शिवा, मैं थैंक्स बोलता हूँ पिताजी को। सब कुछ पूछ लेना, खुल के पूछ लेना, शर्माना मत शिवा। अरे अरे सुनिए मैडम, मेरे फ्रेंड शिवा को बुलाएंगे क्या प्लीज? हाँ शिवा, मेरा शिवा, मेरा दोस्त है। ए शिवा, ए शिवा, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बुला रहा है। हाँ? अब इनकी कहानी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा दोस्त जिंदा है, किसी बात से डरना मत, ठीक है ना? हे, तुम जाके बिंदास नाम बोल कर आओ। अरे थोड़ा टेंशन में हूँ यार। हे, प्यार में ऐसे ही होता है, तुम जाकर बात करो उससे, मैं वहाँ दूर खड़े होकर देखता रहूंगा। अरे मैं हूँ ना, आई लव यू बोल के आ जाओ। हाँ बोलता हूँ। मामा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे, तुम्हारी वाली आ रही है। अच्छा मैं चलता हूँ, डर लगे तो मोगली मोगली बुला लेना। हेलो माही, एक मिनट बात कर सकते हैं क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हाँ क्या है बोलो, क्लास के लिए टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। इतने खूबसूरत फेस के साथ पूछोगी तो कैसा चलेगा? थोड़ा सा टर्न करके पूछो ना तो अच्छा लगेगा। देखो जब से तुम्हें देखा है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। भूख लगती है लेकिन खाना खाने को नहीं होता है, नींद आती है लेकिन सोने को बिल्कुल नहीं होता है। रोज तुम्हें देखने का मन करता है, तुमसे बात करने का मन करता है। तुमसे अगर बात नहीं होती ना, मेरे दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है बिल्कुल ट्रेन की तरह। सच में अपनी दोस्तों से पूछा मैंने इस फीलिंग के बारे में, तो बोलते हैं ये प्यार है यार। हाँ कौन है वो? वो जो वहां खड़ा है, मोगली। हाँ, निमोड़ा, निमोड़ा, निमोड़ा। उसने बोला इसलिए आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे दिल से सच में मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करनी चाहिए मुझे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे पैरों में गिरकर मैं जिंदगी काट दूंगा अपनी, सच में। हाँ, लव के ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो वो फीलिंग ही नहीं आती है। मैं जानता था तुम ये बोलोगे, एक बार मुझसे प्यार करके तो देखो तुम यार। सच बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक तुम्हें फीलिंग आने लगेंगी, रोज रोज तुम्हारा दिल से मुझसे मिलने का मन करेगा। मतलब? देखो रामचरण की पहली मूवी रिलीज हुई, हमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ना, फिर धीरे धीरे वो हमें अच्छी लगने लगी ना। ऐसे ही प्यार के मामले में होता है, धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगता है वो। लगता है तुम फिल्म बहुत ज्यादा देख रहे हो। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? किसी भी फिल्म में तुम्हें मेरे वाला डायलॉग नहीं मिलेगा। अरे वाह, कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है तुम्हें। हाँ। अच्छा कुछ तो बोल के जाओ। अच्छा बताओ मुझे क्या बोलना होगा अभी? आई लव यू बोलना। हाँ, है। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। समझ लो कि मैंने आई लव यू बोल दिया, नेक्स्ट क्या होगा? सब लोग जैसे करते हैं मैं भी वैसे ही करूँगा ना, मेरा पहला प्यार है ना। इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जाके अपना काम करो। अरे बताना क्या बोली वो लड़की। बात तो अच्छे से करी मामा, लेकिन कंफर्म नहीं किया मामा, वेटिंग लिस्ट में छोड़ दिया। हे, तुम क्या ट्रेन का टिकट ले रहे हो वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए? क्या बात कर रहे हो यार तुम, हे भगवान। हे गाड़ी निकालो। हेलो माही, एक मिनट,
और कितना दिन लेने वाले? घर वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज चले जाओ। हेलो, मैं प्रॉब्लम देख के डरने वालों में से नहीं हूँ, और तुम ये प्रॉब्लम वालों की बातें मत करो, बस प्यार के बारे में सोचो हमारा क्या हो। अरे इतनी तेज क्यों बोल रहे हो तुम? अरे आराम से बोला, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए माही माही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माही तो क्या सीरियसली कोई लव नहीं करता है क्या? ये लव वाला टॉपिक ही सीरियस है मेरी माँ। लड़कियाँ टाइम पास के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं टाइम पास के लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिल को जोड़ने वाला रिश्ता है ना। देखो तुम मेरी बात को मानो या मत मानो, अगर कल तुम्हारी शादी कहीं और हो गई ना, मैं तुमसे ऐसे ही दिल से प्यार करता रहूंगा। माही देखो, मैं कल तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। आई लव यू, ये सुनना चाहता हूँ मैं तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे दिल से।